अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉडरेट वर्कआउट करेंगे। मेरे साथ इमरान साहब हैं, अली हैदर भट्ट साहब हैं। तो आज पहला ये थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें, उसके साथ चेस्ट की, आज चेस्ट का वर्कआउट है, स्ट्रेचिंग कर लें। तो शाबाश, चेस्ट की स्ट्रेचिंग। ये स्ट्रेचिंग हम इसलिए करते हैं कि इनके मसल जो है ना, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, वार्म अप कर लें, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और जब आप वर्कआउट शुरू करते हैं तो मसल पुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलें अली हैदर साहब, भट्ट साहब, ये शुरू करें। चेस्ट प्रेस, पहली चेस्ट की पहली एक्सरसाइज है चेस्ट प्रेस, मशीन के साथ करेंगे। अली हैदर भट्ट साहब, 15 रेपिटेशन, शाबाश। एल्बो उठा के, वेरी गुड, शाबाश। बारह रेपिटेशन तक करनी है आपने। शाबाश, पहला सेट 12 का, दूसरा 13 का, फिर 14 का, फिर 15 का, चार सेट करने। अली इमरान साहब, चेस्ट प्रेस मेजर चेस्ट के लिए, शाबाश, वेरी गुड। बारह रेपिटेशन, पहला सेट 12 रेपिटेशन, 12, 13, 14, 15, ये मेजर पैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है मशीन के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हैमर सेंट चेस्ट प्रेस। चले अली हैदर साहब, शाबाश। स्लो, स्मूथ, फुल रेंज ऑफ मोशन और कंट्रैक्शन। ये बाजू ऐसे सीधी नहीं करनी, बाजू यहाँ तक, जब आगे आएंगे तो बाजू यहाँ। बारह रेपिटेशन, पहला पहला सेट 12 रेपिटेशन का, लास्ट 15 का। इमरान साहब, शाबाश। स्लो, स्मूथ, फुल रेंज ऑफ मोशन, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। जब आप ऊपर लेके आते हो तो फिर आपकी चेस्ट स्क्वीज होती है, जब स्क्वीज होगी तो फिर आपके मसल की ग्रोथ होती है। पैक मसल का उस वक्त जोर लगेगा, उस वक्त स्ट्रेंथ होगी, उस वक्त गेन करेंगे आप मसल, जब आप ऑल द वे अप लेके आते हैं। चले, हाँ जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। बैठे भट्ट साहब, सीट ऑल द वे नीचे, शाबाश। ये ग्रुप हो, फेस अप, एल्बो अप, शाबाश। स्लो, स्मूथ, फुल रेंज ऑफ मोशन, मुकम्मल रह कॉन्ट्रैक्शन, शाबाश, वेरी गुड। फिटनेस के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत अच्छे आपके शोल्डर को और चेस्ट को वाइड करती है, शाबाश। 12 रेपिटेशन, पहले सेट 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, चार चार सेट करने, चार सेट अनफ हैं। इमरान साहब, आपका सेट, शाबाश। एल्बो उठा के ऐसे, ये इसका राइट एंगल है। बहुत सारे लोग बटरफ्लाई या फ्लाई करते हैं डंबल के साथ या किसी तरह भी केबल के साथ, तो वो एंगल का उनको कोई टारगेट नहीं होता, एंगल बिल्कुल सही नहीं होता। ये एंगल बिल्कुल सही का, आपकी एल्बो शोल्डर लाइन में होनी चाहिए जब आप बटरफ्लाई करते हैं।
12 रिपीटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज अली हैदर साहब टेक फ्लाई। वैसे तो जिन्होंने ये मशीन डिज़ाइन की है वो अपने हिसाब से की है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये जो पैड है आपकी एल्बो इसके साथ हो, बाजू सीधा हो, थोड़ा सा ऐसे हाथों को उंगलों फिंगर को आप इस तरह कर लें, लेकिन ये एल्बो के साथ इसको लेके जाएं, फिर आप देखेंगे किस आपकी चेस्ट किस तरह एक्सपेंड होती है, किस तरह आपकी चेस्ट और शोल्डर वाइड होते हैं। शाबाश। 4 5 6 7 8 9 थोड़ा पीछे आने दें, ऐसे शाबाश। 10 11 वेरी गुड। 12 वन बाई वन शाबाश। ये सही तरीका है इसको वापस छोड़ने का, अगर एकदम से दोनों छोड़ेंगे ना तो आपके शोल्डर में डेफिनेटली इंजरी आएगी, नहीं तो मशीन आवाज़ ज़रूर करेगी। वन बाई वन शाबाश, एल्बो के साथ शाबाश, वेरी गुड। और ये पैड जो है ना आपके बिल्कुल निपल के सामने, चेस्ट के सामने होने चाहिए पैड, जब ये इस तरह होंगे तो डेफिनेटली आपकी एल्बो इस तरह आएगी और आपके शोल्डर वाइड होगी। बारह रेपिश करने, शाबाश। हर एक्सरसाइज 12 से शुरू करने, अगला सेट 13 का, नेक्स्ट 14 का, लास्ट सेट 15 का, तो इस तरह आपके चार सेट कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट सेट है पुशअप का। आज हम 3 डिफरेंट वे से पुशअप करेंगे। पहला है स्ट्रेट, जैसे मिडल पुशअप, मिडल चेस्ट करिए वो स्ट्रेट, टांगे पाँव हाथ ज़मीन पे। अगला जो सेट करना है पुशअप का, उसमें स्टेप एक ऊपर रखेंगे, वो इंक्लाइन जिसे कहते हैं अपर चेस्ट के लिए। इसके बाद हम 2 स्टेप आगे रखेंगे, पाँव नीचे रखेंगे, वो डिक्लाइन यानी कि लोअर पैक के लिए, जैसे जैसे हम लो डिक्लाइन फ्लाई या डिक्लाइन डम्बल करते हैं उस तरह आएगी। अच्छा, व्हाट्सअप करें पहला सेट। शाबाश, वेरी गुड। हाथ इस तरह खोल लेना है जिससे आपकी बॉडी का एंगल बन जाए, हाथों का और बॉडी का एंगल बिल्कुल सही, इनके एंगल इनका बिल्कुल सही है। पुशअप करिए, शाबाश। 12 करने, बारह इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि 12 मॉडरेट हैं, तो जो भी एथलीट है, जो फिटनेस ट्रेनर हैं, पहले एक एक आपने ना बगैर इसके लिए। आप इमरान साहब पुशअप, मेजर चेस्ट, मिडल पैक, शाबाश, वेरी गुड। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बस काफ़ी है। नेक्स्ट सेट है पुशअप स्टेप के साथ, पांव ऊपर होंगे, हाथ नीचे होंगे, लेकिन अपर बॉडी आपने कॉन्ट्रैक्शन में रखनी है, लोअर बॉडी जो है आपने लूज़ रखनी है, ये आपने ज़हन में रखनी है जब भी पुशअप करेंगे। टांगों को हिप को ऐसे बिल्कुल आपने टाइट नहीं रखना, रिलैक्स रखना है, फिर आपका मैक्सिमम चेस्ट पे जोर आएगा। शाबाश, वेरी गुड। ये ऐसे इंक्लाइन पुशअप भी कहते हैं। इमरान साहब आपका सेट। शाबाश, 12 रेपिटेशन। चेस्ट अप करें, चेस्ट अप, ऐसे, शाबाश, वेरी गुड। शाबाश शाबाश, अगर आप सामने देखें तो ज़्यादा बेहतर हो, तो ऐसे ये बेस्ट है। शाबाश शाबाश शाबाश,
ये आपने अपने जब भी आप पुशअप करेंगे ज़हन में रखना कि आपका ये एंगल होना चाहिए, आपका एल कंप्लीट होना, बाजुओं का शोल्डर का एल कंप्लीट हो, ये सही है। आए शाबाश, वेरी गुड, टू थ्री, शाबाश, यही एंगल रखना है आपने, वेरी गुड। ये लोअर पैक चेस्ट के लोअर मसल के लिए ये एक्सरसाइज है, डिक्लाइन पुशअप भी कह सकते हैं आप। वेरी गुड, शाबाश, फेस अप मार्शल, वेरी गुड, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वेरी गुड। सेट केबल क्रॉस चेस्ट प्रेस, अब पहला सेट हम करेंगे डिक्लाइन, डिक्लाइन चेस्ट फ्लाई, चलो क्रॉस केबल, शाबाश, नीचे नीचे लेंगे, नीचे ऐसे, ये डिक्लाइन का, जब आप ये करते हैं तो आप ये लोअर चेस्ट के लिए फंक्शन कर रही है, शाबाश, 12 रेपिटेशन, इमरान साहब, शाबाश, कोनी उठा के ऐसे, कोनी ऐसे, ऐसे आप ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड रेंज ऑफ मोशन, स्पीड भी इनकी बहुत ठीक जा रही है, ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं करते कोई भी एक्सरसाइज, इस स्पीड से आपका मसल का वर्कआउट हो रहा है, अगर आप तेज़ी के साथ करेंगे तो आपके जॉइंट की मूवमेंट ज़्यादा होगी, मसल का ग्रुप, मसल ग्रुप जो है ना वो कम काम करते हैं। एक्सरसाइज है मिडल पैक चेस्ट फ्लाई केबल क्रॉस मिडल चेस्ट मिडल पैक, शाबाश शाबाश, ज़्यादा ऊपर नहीं, हाथ ज़्यादा ऊपर नहीं करने, ज़्यादा थोड़े नीचे लाएं आप, हाथ नीचे लेके ऐसे, अब ठीक है, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड, इमरान साहब आपका सर, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, गुड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, शाबाश, क्रॉस केबल अपर चेस्ट केबल क्रॉस, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, इधर आप देखेंगे कि ये इनका ये अपर शोल्डर, ये डेल्ट अपर चेस्ट, शाबाश, आपको यहाँ से भी इनके शर्ट में से भी आपको मसल की मूवमेंट नज़र आएगी, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, टू
शाबाश इमरान साहब, वेरी गुड। नेक्स्ट सेट मशीन पुल ओवर, ये आज इनकी चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज, इसके साथ इनका चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, ऑल द वे आप जाने देना, ऑल द वे नीचे लेके आना, शाबाश। और ये वेट आपने एल्बो से पुल करना है नीचे, कोहनियों के साथ नीचे लेके आना है। इसकी ग्रिप इसी तरह ही रखनी हो, ऊपर से आपने ऐसे रखना हाथ, ऐसे नहीं ग्रिप करने, नहीं तो आपका वेट इधर डिवाइड हो जाएगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है आप इधर डिवाइड कर लेंगे। 12 रेपिटेशन, 12, 13, 14, 15, चार चार, हर मशीन के चार चार सेट, 5 से 6 एक्सरसाइज चेस्ट के लिए इनाफ होती हैं। सर 12 रेपिटेशन, मैं हमेशा बिगिनर्स और मॉडरेट के लिए मशीन इस्तेमाल करता हूँ, मैं इनको फ्री वेट कम इस्तेमाल करवाता हूँ। आपने अपनी स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ मशीन है, स्ट्रेंथ इक्विपमेंट है, आप यहाँ से भी आप गेन कर सकते हैं, मसल गेन कर सकते हैं, मसल बिल्ड कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेंज ऑफ मोशन, स्पीड, कॉन्ट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें आपको पता, एंगल, राइट एंगल होना चाहिए। जब आप किसी मशीन पे बैठते भी तो आपने देखना है कि आपके बॉडी के हिसाब से उसकी सेटिंग कहाँ पे, उसकी एडजस्टमेंट कहाँ से होती है। अगर वो आपको नहीं पता तो वो आप बेकार है आपके लिए, आप वो मशीन गलत करेंगे फिर।